तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2024 के ओलंपिक जो गेम्स हैं, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वो भाला फेंक हो, बहुत सारे ओलंपिक गेम्स जो हैं 2024 में भी खेले जा रहे हैं बाहर कंट्रियों में, जिसमें हमारे भारत देश के बेटे और बेटियां बहुत सारे लोग जो है हिस्सा ले रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर। और जिसमें हमारे देश की एक बेटी विनेश फोगाट हरियाणा की रहने वाली हैं और इन्होंने कुश्ती में भाग लिया। और कुश्ती में भाग लेने के बाद लगातार इन्होंने 3 मैच जीता और आखिरी राउंड में जब फाइनल मैच होता है तो फाइनल मैच से एक रात पहले पता चलता है कि विनेश फोगाट का 2 किलो वजन जो है वो ज्यादा है। जबकि विनेश फोगाट ने जो भाग लिया था, हिस्सा लिया था, वो 50 किलो के वेट में, 50 किलो का वेट जो मैच खेला जाना था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन 2 किलो वेट ज्यादा हो जाता है, लगभग 52 किलो। तो जैसे ही ये बात इनको पता चलती है तो पूरी रात विनेश फोगाट लग जाती है इसको कम करने के लिए। पूरी रात ये मेहनत करती हैं, पसीना बहाती हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि पसीना बहाने से वेट जो है वो डाउन होता है, कम होता है। तो पूरी रात ये मेहनत करती रही, अपने नाखून तक काट दिए इन्होंने, अपना ब्लड जो है वो निकाल दिया। उसके बाद दूसरे दिन जो है मैच से कुछ घंटे पहले जो सुबह सुबह जो है वो वेट किया जाता है सभी पहलवानों का। तो जब विनेश फोगाट वहां पर जाती हैं, इनका वेट किया जाता है तो पता चलता है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 ग्राम वेट इनका ज्यादा रहता है 50 किलो से। तो इसकी वजह से जो मैच का रूल है इनको मैच से बाहर कर देते हैं। उसके बाद विनेश फोगाट वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। और लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी मेहनत की, इतना शानदार प्रदर्शन किया इन्होंने कि लगातार ऐसे प्लेयर थे उसमें जो जिसको कभी किसी कंट्री ने नहीं हराया था, और ऐसे प्लेयर थे जो उसमें हिस्सा लिया था जिन्होंने, लेकिन अपने देश की बेटी विनेश फोगाट ने उसको एक बार में ही हरा दिया और पहुंच जाती हैं ये फाइनल राउंड में। लेकिन मैं अभी एक न्यूज देख रहा था, तो एक अपने इंडियन न्यूज एंकर हैं, लेडीज हैं वो, तो वो कह रही थी कि उनका ये कहना था कि अगर मान लीजिए हम लोग एग्जाम में बैठते हैं और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद वहां पे अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाते तो हम ये कहते हैं कि कल रात को मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी एक दिन पहले और पूरी साल। तो दोस्तों, इनका कहना ये था न्यूज एंकर का कि मान लीजिए पूरे साल जो है एग्जाम की तैयारी नहीं करते और सिर्फ एक रात पहले हम पूरी मेहनत करके तैयारी करते हैं और बहाना बनाते हैं कि कल रात को मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी लेकिन उसके बावजूद जो है पास नहीं हो पाई, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं ला पाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि आप पूरे साल जो है तैयारी नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, कुछ भी नहीं करते और सिर्फ एक रात में आप कह रहे हो कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी। तो इन मैडम को मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैडम एसी रूम में बैठ के बातें करना, एसी रूम में बैठ के लेक्चर देना अलग बात होती है, और ग्राउंड पे जाके कुश्ती लड़ना, लगातार 3-3 कुश्ती लड़ना एक दिन में और तीनों जीतना, उसका लास्ट राउंड में भी गोल्ड मेडल जीत जाती है अपनी विनेश फोगाट, लेकिन कुश्ती उन्हें लड़ने नहीं दिया गया, उन्हें वो जो है फाइनल राउंड से बाहर हो जाती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की बातें हैं और उनकी मेहनत पर सवाल उठाने वाली बात है। तो इन मैडम को कहना चाहता हूँ कि मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर लड़ने दिया जाना किसी भी पहलवान से तो आप 1 मिनट भी सामने नहीं टिक पाएंगे उस पहलवान के। तो मैडम, एसी रूम में बैठ के बातें करना अलग चीज़ होती है और रियलिटी जो है अलग चीज़ होती है। तो अगर देश की बेटी अगर ऐसी चीज़ों में मेहनत करती है और पूरी जी जान से मेहनत करती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए मेहनत करती है, तो ऐसे लोगों के जो मेहनत है उसको सलाम करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसी जो अपने देश की बेटी हैं, ये शान हैं, अपने देश की शान हैं, इन पर प्राउड फील करना चाहिए हमें, ना कि इनके ऊपर सवाल उठाना चाहिए। तो जैसा भी है, मैं तो ये कहूँगा कि बेशक इन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीता लेकिन इन्होंने भारत वासियों का, अपने भारत के लोगों का इन्होंने बखूबी दिल जीत लिया है। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।